वो कहते हैं ना 100 सुनार की और एक लोहार की। इंडिया कहता रहा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी पाकिस्तान आ चुकी है और पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है ना ट्रॉफी के बारे में, उसने इंडियन मीडिया में एक नई आग लगा दी है। वो जैसे वो नमक जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है ना, वो कर डाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपनी ट्रॉफी को आजाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों में लेकर जाएंगे, हम स्कर्दू में लेकर जाएंगे और पूरे पाकिस्तान का दौरा करवाएंगे, और क्योंकि ट्रॉफी आ चुकी है तो आप पाकिस्तान उसको पाकिस्तान के जितने भी खूबसूरत मुकामात हैं वहां पर लेकर जाएगा और एक नया प्रोमो बनेगा जिसमें जो ट्रॉफी है वो कश्मीर में दिखाई जाएगी। ये है नई आग जो कि इंडियन मीडिया को झुलसा रही है। उधर इंडियन बोर्ड भी बहुत गुस्से में है अपनी हुकूमत से, क्योंकि इंडिया के इनकार के बावजूद ट्रॉफी पाकिस्तान आने का मतलब उनको साफ पता चल गया है कि कहीं इंडियन टीम का पत्ता ना कट जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रॉफी आने का मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, क्योंकि मेजबानी पाकिस्तान के पास है। तो ये मीडिया जो है ना, ये वो नहीं बता रहा कि भैया ट्रॉफी उधर चली गई है तो अब चैंपियंस ट्रॉफी उधर ही होगी, वो नई राम कहानियां उनको सुनाता जा रहा है। वो ये कहता जा रहा है, ये देखो ये आजाद कश्मीर में लेकर जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। रो रहे हैं बेचारे, उनको चाहिए टिशू, लेकिन पाकिस्तानी भी टिशू और बर्नोल दोनों भेजेंगे। एक बार थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल का ऐलान कर लें, हम ट्रक भर भर के बर्नोल के भेजेंगे, टिश्यूज के डब्बे साथ भेजेंगे कि भैया जहां जहां जख्म है वहां वहां लगा लो, जहां जहां जलन हो रही है वहां वहां बर्नोल लगा लो, और साथ में टिशू भी भेजेंगे कि अगर आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो वो साफ भी कर लेना, क्योंकि हम तो ट्रॉफी आजाद कश्मीर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो हमारा खूबसूरत हिस्सा है और वहां पर हम अपनी ट्रॉफी को दिखाएंगे, हम अपनी ट्रॉफी को स्कर्दू में भी दिखाएंगे, हम अपनी ट्रॉफी को बलूचिस्तान के अंदर भी दिखाएंगे, पंजाब के अंदर पूरी पूरी पूरे पाकिस्तान में ट्रॉफी को घुमाएंगे, हम अपने नाजरीन को वो तमाम तर खूबसूरत नज़ारे दिखाते ही जाएंगे। तो ये है नई आग। तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने एक ही वार किया है और वो वार इतना है कि जो इंडिया पिछले 6 महीने से चीखता हुआ आ रहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, पाकिस्तान ये होगा, हम पाकिस्तान को घुटनों पर ला देंगे, हम पाकिस्तान को ये बना के रख देंगे। भाई आपके कहने से पाकिस्तान भिखारी नहीं बनेगा। वो पंजाबी की एक कहावत है कि कावां दे कहन नाल टोर नहीं मरदे, यानी कि इंडिया मीडिया चीखता रहे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान अपने मजे में है और पाकिस्तान उस ट्रॉफी के साथ पूरा पाकिस्तान घूमेगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि पाकिस्तान के पास कौन से नज़ारे हैं और यहां पर पाकिस्तान को पाकिस्तान में आने के बाद उनको कैसी हॉस्पिटैलिटी, कैसे उनका वेलकम किया जाएगा, ये हम सबको बताएंगे। और ये जब बाकी टीमें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगी ना, उनका वेलकम बताएगा कि वो कहां पर आए हैं और वो कौन शहजादे हैं किसी मुल्क के। और इंडिया अगर तो पाकिस्तान आना है, अगर पाकिस्तान में वो हाइब्रिड मॉडल आप वो करते करते छोड़ दें, पाकिस्तान आना है तो 100 बिस्मिल्लाह हम आपको भी ऐसा ही वेलकम देंगे, लेकिन अगर नहीं तो फिर टीवी का इंतजाम कर लीजिएगा, टीवी के सामने बैठकर आपने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का इस टाइप के मैचेस आपने जरूर देखने हैं, उसमें पाकिस्तान का वो कदाफी स्टेडियम भी आएगा, कराची स्टेडियम भी आएगा, तो ये सारे स्टेडियम्स आएंगे, आपने मिस नहीं करने। बाद में आपने वो जैसे कि आप बाबर की जो बैटिंग होती है ना, वो पाकिस्तान उतना नहीं देख रहा होता जितने इंडियन देख रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही बाबर आउट हुआ नहीं, उन्होंने कहना है कि घंटे का किंग, ये किंग, वो किंग, ये क्या है, कुछ भी ऐसी बातें वो करते हैं और अपना दिल खुश करते हैं, तो होने दिया करो यार दिल खुश। अब नीचे मेरी वीडियो के भी नीचे बहुत सारे इंडियन भाई आएंगे, वो आकर गालियां देंगे, कोई बात नहीं यार, ये उनका हक है, कर लें और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, तो कर लें। तो ये कहानी है मेरा भैया, ट्रॉफी आ चुकी है, ट्रॉफी आपको भी दिखाएंगे, जब आजाद कश्मीर जाएगी फिर तो आपको बहुत अच्छे विजुअल्स के साथ दिखाएंगे, मजा आएगा आपको।